नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नाम बताने वाला मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सोमवार को होगी सुनवाई। एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें राज्य सरकार ने यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के मालिकों को अपने नाम लिखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। यूपी सरकार के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें राज्य सरकार ने यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदार के मालिकों के नाम लिखने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से अर्जी दाखिल की गई। यूपी सरकार के हाल ही के फैसले को चुनौती दी गई है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को अपने नाम डिस्प्ले करने के लिए कहा गया। इसके बाद इस मामले में सियासत पहले से ही गर्म है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके इस फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भाटी केस की सुनवाई करेंगे। यूपी सरकार ने 19 जुलाई को फैसला लिया था कि जितने भी दुकानदार हैं, खासकर खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ बेचने वाले जो दुकानदार हैं, उन्हें कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर दुकान के मालिकों के नाम डिस्प्ले करना होगा। कांवड़ यात्रा की रूट पर दुकानदारों को दुकान के सामने मालिक को अपने नाम डिस्प्ले करना होगा। यूपी सरकार ने कहा कि यह फैसला कानून और व्यवस्था के हित में लिया गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह सब भेदभाव को बढ़ावा देगा। यूपी सरकार के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में भी इसी से मिलता जुलता फैसला लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने जा रही है। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस।